खरीद रहे हो नया घर बट बजट प्रॉब्लम्स की वजह से हो परेशान, बस एक कॉल कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत मां की जानी और हम देंगे आपको हाउसिंग लोन ऑफर्स अप्रूव फ्रॉम लीडिंग बैंक्स एंड NBFCs. इजी है मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, लो इंटरेस्ट रेट्स, फास्ट अप्रूवल, डोर स्टेप हैसल फ्री प्रोसेस. क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत मां की जानी 9011280000. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी. मंगलवार को शिवसैनिकों ने MSEB के अधिकारी का घेराव किया. उनके द्वारा जनता की समस्याएं हल करने का आश्वासन मिलने के बाद ज्ञापन देकर घेराव पीछे लिया. दरअसल मंगलवार को शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह बुल्लर महाराज के नेतृत्व में शिवसेना शिष्टमंडल ने कैंप नंबर 3 साई बाबा मंदिर के पास MSEB कार्यालय में घेराव किया. यहाँ शिवसेना उप जिला प्रमुख अरुण अशान, पूर्व नगर सेवक, शहर संगठक, उप शहर प्रमुख, युवा सेना, ग्राहक संरक्षण कक्ष, महिला आघाड़ी, उत्तर भारतीय विभाग, सिंधी सेल के पदाधिकारी व शिव सैनिक मौजूद थे. आज इस उल्लासनगर शहर में 1, 2, 3 और 4, 5 ऐसे 2 प्रभाग गए, मगर 1, 2, 3 की समस्या के बारे में खास करके हमारे शहर प्रमुख माननीय बुल्लर महाराज जी, इन्होंने कई बार पत्र लिखे है कि उल्लासनगर शहर में बंच केबल है, कहीं पर लाइट के पोल बेंड हो गए हैं, कहीं पर लाइट की पोल की समस्या है, और जहाँ करके हमारे व्यापारी शहर है तो इसमें कहाँ कहाँ पर जो DP है, DP की अवस्था एकदम ख़राब है, वहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है. कल ही जसलोक हाई स्कूल के इधर छोटा सा बिजली की तार लटकने से जो हादसा हुआ उसके बारे में भी महाराज बुल्लर जी ने अवगत किया था कि ऐसी घटना होगी तो स्कूल में आने जाने वाले लोगों को या वहाँ के विद्यार्थियों को दिक्कत आ सकती है. तो आज हम निवेदन देने के स्वरूप में यहाँ पे MSEB में आए हैं. तो MSEB के जो बड़े अधिकारी है गोले साहब और कुलकर्णी साहब, इन्होंने आश्वासित किया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हम जिन जिन समस्या का आपने हमें जो खुलासा किया है वो हम दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे. और ख़ास तौर करके महाराज जी ने ये बताया कि लोगों, गरीब लोगों के प्रति जो थकित बिल है वो थकित बिल में उनको कुछ हफ्ता भरने की मुहलत दी जाए, कुछ सहूलत दी जाए. और जो फॉल्टी मीटर लगा है उसमें जो लोगों को बार बार करके बिल आते हैं वो फॉल्टी मीटर तुरंत बदली की जाए, उसके बारे में भी निवेदन दिया गया. हमारे कल्याण जिला के जो सचिव है उन्होंने कुछ पानी की समस्या के बारे में कहा था कि पानी की समस्या के टाइम पे बिजली का जाना आना ये बार बार हो रहा है, तो महानगर पालिका की तरफ से कोऑर्डिनेशन करके ये बिजली की समस्या दूर होनी चाहिए ताकि लोगों को इस भारी बरसात में भी पीने का पानी मिल सके. ऐसे सब निवेदन हम लोगों ने आज भोले साहब को, कुलकर्णी साहब को दिए हैं, और मुझे आशा है कि उन्होंने उम्मीद दिखाई है कि हम 1 महीने के अंदर ये काम करेंगे और ये फॉल्टी मीटर 24 घंटे में भी दुरुस्त करेंगे. अगर ये काम नहीं हुआ तो हम लोग अगर तीव्र तरह से आंदोलन इस MSEB के ऊपर करेंगे. आने वाले दिनों में जी MMRDA की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने और हमारे खास करके लाडले खासदार साहब ने प्रयास करके इस उल्लासनगर शहर में भारी भक्का ऐसी निधि प्राप्त करके दी है, और हमारे उल्लासनगर शहर के बहुत सारे ऐसे जो रोड है वो अच्छी तरह से होने वाले हैं. वहाँ पे जो समस्या है खास करके ड्रेनेज की समस्या, पानी की लाइन की समस्या, उसी प्रकार है ये जो MSEB के जो पोल बीच बीच में आते हैं, आपने देखा रहा कि KB रोड में कई पोल ऐसे अंदर बीच में थे, वो काफ़ी दिनों तक वहाँ से निकाले नहीं गए थे, मगर अभी जो रोड का जो कार्य निर्माण चालू होगा उसमें MSEB और UMC ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और रोड प्रयासों में ये सारे जो कठिनाई है दूर करेंगे. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी.